हे hey एवरीवन इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ग्लाइको के बारे में ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे प्रोटीन है जिनके पास यूरिगोसेक्राइट चैन है और ये यूरिगोसेक्राइट चैन इन प्रोटीन से कोवलेंटली अटैचड है अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट भी प्रोटीन से अटैच होता है लेकिन आफ्टर ट्रांसलेशन इस तरीके की मॉडिफिकेशन को हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन क्योंकि आफ्टर ट्रांसलेशन हमारे पास प्रोटीन की चैन के अंदर अगर ऐड हो रहा है ओलिगोसेक्राइड तो बन जाएगा ना ग्लाइको प्रोटीन अब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन ग्लाइकोसाइलेशन इन द प्रोसेस जहाँ पे ओलिगोसेक्राइड तो पार्ट होगा वो प्रोटीन के साथ अटैच होने वाला है अब होता क्या है जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर एक्सक्रेटेड प्रोटीन्स हैं सिक्रीट हुए वो ग्लाइकोसाइलेटेड होते ही है अब हम एक बार जानते हैं जो सेक्रेट ग्रुप है उसके पास एल ग्रुप होगा जो एल डी हाइड ग्रुप है सी एच ओ ग्रुप और ये सी एच ओ ग्रुप बनाने वाला है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड अब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है कॉवरेंट बॉन, बॉन्ड कॉवरेंट बॉन्ड का एक टाइप है जो कि कार्बोहाइड्रेट को दूसरे ग्रुप से ज्वाइन कर रहा है हो सकता है कार्बोहाइड्रेट ना भी हो नॉर्मल हम जब ग्लाइकोसिडिक नॉर्मल हम जब बात कर रहे हैं ग्लाइकोसाइडेशन की तब हम बोल रहे हैं कि हाँ वो कार्बोहाइड्रेट होगा अब जो सिक्रेटरी प्रोटीन है वो कोई भी प्रोटीन हो सकता है हो सकता है वो प्रोटीन हमारे ब्लड में एंटर करे डायरेक्टली एंडोक्राइन हो या फिर वो एक्सोक्राइन हो किसी ट्यूब के थ्रू एंटर करे या ट्यूब के समझिए ठीक है इसके अलावा अगर हम बात करेंगी एग्जोक्राइन सिक्रीशन की या तो एंडोक्राइन सिक्रीशन के अंदर आ सकता है सिक्रेटेड प्रोटीन या फिर वो एंडोक्राइन में एंडोक्राइन में या एग्जोक्राइन में एंडोक्राइन में तो डायरेक्टली ब्लड में आ जाएगा एग्जोक्राइन में आए तो फिर वो किस में आएगा डक्ट के सर्फेस से आएगा आएगापिथील सर्फेस पे अब स्वेट स्लेवरी ग्लैंड का सिक्रेशन मेमी में ग्लैंड का ईयर से सिक्रेशन ईयरसी सिक्रेशन हमारी आई के अंदर क्रीमल है वहाँ का सिक्रीशन ग्लैंड का सिक्रेशन इवन म्यूकस ये सब एक्सोग्रेन सिक्रेशन के अंदर आते हैं सेल सेल्सिक्रेट कर रहे हैं अब सिक्रेटिव प्रोटीन्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं हॉर्मोन्स जॉइम्स टॉक्सिन ये सब के सब कुछ इंक्लूड होते हैं सिक्रेटिव प्रोटीन के अंदर एंड इवन एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी जो सिक्रेटिव प्रोटीन्स के अंदर इंक्लूड होएगी अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो उनके पास सेगमेंटेड एक्सटेंडेड एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सट्रेलर सेगमेंट है अब जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर सेगमेंट है हमेशा क्या होता है ग्लाइकोसाइलेशन थ्रू ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इंटीग्रल मेंबरन प्रोटीन के अंदर इंटीग्रल मेंबरन प्रोटीन जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेल से सेल इंट्रेक्शन के अंदर सेल टू सेल इंट्रेक्शन में अगर हम एस्ब्राजीन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन को बचाते हैं इनिबिट करते हैं तो उसके इसमें क्या होगा एन लिंग ग्लाइकोसाइलेशन नहीं हो पाती तो उसके कारण वो बचाती है ग्लाइकोप्रोटीन की फोल्डिंग को और ग्लाइकोप्रोटीन की फोल्डिंग का फुल इनिबिशन टॉक्सिक हो सकता है किसी इंडिविजुअल सेल को इसके अलावा पर्ट्यूबेशन मतलब कि अल्टरनेशन होना किस चीज़ में अल्टरनेशन हो टर्मिनल प्रोसेसिंग में अल्टरनेशन होना वो पैरेटिस के अंदर होता है अगर ज़्यादा अल्टरनेशन हो जाए तो उसे ह्यूमन डिसीजेस हो सकते हैं जिसको बाइबर दट इज कोजोनाइटल डिसऑर्डर ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन इसलिए हम चाहते हैं कि जो फाइनल प्रोसेसिंग है ग्लाइकन्स की वो अच्छे से हो जैसे कि सेल ट्राफिकिंग जिसका मतलब है सेल माइग्रेशन सेल किस तरीके से माइग्रेट करें इट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट रहेगा हमारे इम्यूनोलॉजी के अंदर ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन से अटैच होना ऑल तो ये एक टाइम में प्रोसेस है अब डिपेंड करता है कि वो जो है शुगर है वो प्रोटीन से किस तरीके से जुड़ी है अगर शुगर जुड़ी है नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन है एन इंडिकेट नाइट्रोजन उसको हम बोलते हैं एनग्लाइकोसाइलेशन अगर हमारा शुगर जुड़ा है नाइट्रोजन से एनग्लाइकोसाइलेशन जैसे कि एस्पराजिन एस्पराजिन आस्प अगर हम ओ ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो यहाँ पे शुगर ऑक्सीजन से जुड़ती है अब क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप भी होना चाहिए ऑक्सीजन ग्रुप पर तो ऑक्सीजन से जैसे कि सीरीन के अंदर हम जानते हैं सी एच टू ओ एच ग्रुप होता है अगर मेरे पास ओ ग्रुप है तभी तो वो जुड़ेगी एक होता है मेरे पास पी ग्लाइकोसाइलेशन शुगर जो होगी वो फॉस्पोरस से अटैच होगी जिसको हम बोलते हैं फॉस्पोसिरीन विच इज़ नॉन एज फॉस्पोसिरीन सी ग्लाइकोसाइलेशन जो शुगर अटैच होगी डायरेक्टली कार्बन से जैसे कि मैनोज एंड ट्रिप्टोफेन इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस सी ग्लाइकोसाइलेशन अब हमारे पास एग्जाम्पल है ग्लाइकोप्रोटीन का जो हमारी बॉडी में पाया जाता है डेट इज म्यूसिन जो कि सिक्रीट हो रहा है हमारे म्यूकस के अंदर म्यूकस कहाँ सिक्रीट होता है हमारे रेस्परेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर अब शुगर जब अटैच होती है म्यूसिन से तो उसको हम बोलते हैं उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी आ जाती है अब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के कारण ये प्रोटिवलाइसिस इसमें नहीं हो पाता किसके थ्रू डाइजेस्टिव इंजाइम्स के थ्रू इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे वाइट ब्लड सेल के अंदर भी इन इवन इवन इवन, इवन हमारे रिकोगनीशन सिस्टम में वाइट ब्लड सेल कैसे रिकोगनाइज कर रहे हैं वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इवन हमारी एंटीबॉडीज़ हमारे एंटीजन इन सब का नेचर भी ग्लाइकोप्रोटीनिशियस नेचर होता है